चाणक्य नीति अध्याय 4। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। नंबर 1, व्यक्ति कितने साल जिएगा। नंबर 2, किस प्रकार का काम करेगा। नंबर 3, उसके पास कितनी संपत्ति होगी। नंबर 4, उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से कछुआ ध्यान देकर और पक्षी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सत्जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्या अर्जन करना ये एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है और वही असंख्य तारे भी एक काम नहीं कर पाते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक अपने माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती हैं। नंबर 1, एक छोटे गांव में बसना जहाँ रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। नंबर 2, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ काम करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है। नंबर 3, अस्वास्थ्य वर्धक भोजन का सेवन करना। नंबर 4, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है। नंबर 5, जिसको मूर्ख पुत्र है। नंबर 6, जिसकी पुत्री विधवा हो गई हो। वो गाय किस काम की जो न दूध देती है और न बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म भी किस काम का जो न ही विद्वान हुआ और न ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है तो उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं, पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त। ये बातें एक ही बार होनी चाहिए। नंबर 1, राजा का बोलना। नंबर 2, विद्वान व्यक्ति का बोलना। नंबर 3, लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि 4 लोग करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न रखने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पास पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है। जिसे कोई सगे संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वो जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों के किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्चा करने के सही तरीके, आपके ऊर्जा स्रोत। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग होते हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वोच्च।